अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूँ इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्रेसर के पांच पाइप क्यों होते हैं। यहाँ पर आपने नॉर्मली कंप्रेसर के पाइप जो देखे होंगे, एक जो है दो सक्शन लाइन और एक डिस्चार्ज लाइन, ठीक है, जो कि दो सक्शन लाइन होती है, एक डिस्चार्ज लाइन होती है। एक से हम गैस चार्जिंग कर लेते हैं और एक सक्शन और एक डिस्चार्ज का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दो और पाइप जो है वो किस लिए होते हैं, ठीक है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये मुझे दिया है मेरे फ्रेंड आज़म ने, जिनका फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल है, तो मैंने कहा भाई इससे एक्सप्लेन करना चाहिए आपको। तो इसको जो है, इसकी बॉडी हमने कट करी हुई है, जो कि कंप्रेसर की इसकी मोटर और इसका जो पंप है वो बाहर निकाल रखा है। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि भाई अभी बिल्कुल ऑयल भी निकाल दिया है, पंप हर चीज़ निकाल दी है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये निकाली है। तो ये जो दो पाइप है ये किस लिए लगाए जाते हैं, इसलिए कि आपको एक्सप्लेन हो सके। ये Q&A में भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर आप कहीं नॉर्मल इंडिया पाकिस्तान कहीं पे भी जॉब करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर का अगर इंटरव्यू है तो उसमें भी पूछा जा सकता है कि रेफ्रिजरेटर में ये दो पाइप्स क्यों लगे होते हैं। हर कंप्रेसर में नहीं होते, लेकिन जिसमें लगे हैं तो भाई क्यों लगे हैं, उसकी वर्किंग, उसका काम क्या है, तो ये देख लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, और मेरा जो है कोर्स मुकम्मल PCB का, वो आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा, कॉन्टैक्ट करके आप मेरा वो परचेज़ कर सकते हैं। उसकी फ़ी भी डिस्काउंट पर है, 5,000 पर उस जो है आपको मिल जाएगा, और इसमें डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। सीज़न आ रहा है तो आप PCB का कोर्स, मुकम्मल इन्वर्टर AC PCB का कोर्स भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें ये पंप और मोटर यहाँ से क्यों हमने बाहर निकाली है, और इसको काटने का क्या मकसद था कि आपको अंदर का व्यू देखने को मिले। इन साइड पर आप देखेंगे कि ये एक पाइप अंदर गया है, एक राइट वाला, ठीक है, अंदर जाकर यू बैंड वापस बाहर आ गया और सबसे नीचे रखा हुआ है इसको, यू बैंड को। अब डेफिनेटली यहाँ पर जब ऑयल भी नीचे, हम ऑयल हमने निकाला हुआ है, ये थोड़ा सा ऑयल है इसमें बस, तो जब ऑयल इसमें आ जाएगा तो ये सारा ऑयल में पाइप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गैस की सर्कुलेशन क्या करती है, ये डिस्चार्ज लाइन गई, ठीक है, मुकम्मल कंडेंसर में, एक कंडेंसर से होकर इसमें से फिर इस साइड पर आएगी और यहाँ से अंदर जाएगी, यू जो है बना हुआ है, तो यू वापस बाहर आ जाएगी। इसको अगर आप काट भी देंगे तो उस यू को, यानी कि आप बाहर ही रख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। सिर्फ ये है कि यहाँ पर अगर आपका मौसम नॉर्मल है, रेफ्रिजरेटर चोक ना हो, इसलिए यहाँ पर जो है ये लाइन जो है, कंप्रेसर हमारा हीट होता है, आप जानते होंगे कि जब रेफ्रिजरेटर चल रहा होता है कंप्रेसर हमारा हीट होता है, इसका ऑयल भी हीट होता है, तो गैस जो है इसमें से जब आएगी यहाँ से सर्कुलेट करके वापस फिर रिटर्न वापस बाहर जाएगी, तो जो कंडेंसर है वो हीट पकड़ेगा, मतलब उसमें हीट बनेगी, तो सिस्टम चोक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लिक्विड से वेपर में तब्दील हो जाएगी गैस, तो गैस के हमारे सिस्टम के चोक होने के चांसेस भी बहुत कम रहेंगे। तो मतलब सिर्फ जस्ट यू बैंड यहाँ पर देने के लिए ये अंदर ही यू बैंड लगा हुआ है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाते हैं, यहाँ पर मैं कुछ आपको डायग्राम से बताता हूँ कि ये वाले जो दो हमारे पाइप हैं ये कैसे काम कर रहे हैं। ये मेरा कंप्रेसर है, यहाँ पर ये इसकी सक्शन लाइन है, ये रही इसकी हमारी सक्शन लाइन दूसरी वाली, दो जो आम होती हैं, और ये तीसरा पाइप डिस्चार्ज होता है। लेकिन ये दो पाइप जो अंदर यू मैंने बना रखे हैं ये वो वाले हैं। यहाँ से डिस्चार्ज हमारी स्टार्ट होगी, जैसे ही डिस्चार्ज स्टार्ट होगी कंडेंसर जो रेफ्रिजरेटर की बैक साइड पर लगा होता है, डिस्चार्ज पर आ जाते हैं, ये सारा कंडेंसर जो है डिस्चार्ज का ये वर्क कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर हीट पैदा होगी। यहाँ से जो है हमारा, अक्सर आपने देखा होगा कि भाई इसके रेफ्रिजरेटर के नीचे वाली साइड पे भी कंडेंसर होता है और बॉडी कंडेंसर भी होता है, तो ये बैक साइड वाला कंडेंसर आ गया, ये जो है सीधी लाइन वहाँ से एंड होकर इसमें आ जाएगी एक पाइप पर, ठीक है, इन दोनों में से नीचे किसी एक पाइप पर, ठीक है, ये एक पाइप में आ गई, अंदर से वही यू जो मैंने आपको दिखा दिया, और वहाँ से फिर पाइप कनेक्ट होगा जो कि हमारा बॉडी कंडेंसर का होगा, या नीचे जो कंडेंसर लगा है वो वाला कंडेंसर का होगा। तो वो कंडेंसर, मतलब कंडेंसर ही हमारा चल रहा है, मुकम्मल एक ही लाइन सीरीज में चल रही है। तो बस यहाँ से ये गया, ये वो वाला कंडेंसर बॉडी कंडेंसर आ गया, यहाँ नीचे वाला कंडेंसर आ गया, ये वो हुआ, फिर फिल्टर, फिर कैपिलरी, और फिर ये सारा सिस्टम
यहाँ से वापस इधर हमारे सक्शन लाइन के जो एवेपोरेटर वगैरह कूलिंग एरिया आ गया, ठीक है। तो यहाँ से वापस सक्शन में, तो फिर ऐसे ही डिस्चार्ज सारा निज़ाम काम करता रहेगा। बाय चांस जो है काट भी देते हैं इसको, बॉडी कंडेंसर लीकेज हो गया हमने सेपरेट लगाना है, या इसको काट भी देते हैं तो उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि बस जस्ट आपने ये इसको रिमूव करना है पाइप्स को, इसको छोड़ दें, यहाँ से गैस लीकेज नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर आप यू बैंड डाल दें बस, तो ये सारा हमारा काम वैसे का वैसे ही हो गया। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।